तो सब भाई भाई है ना। हाँ दिव्या घटी आपके बेटे के साथ। रामबरन और छोटे लीला ने अंदर घुस के गोली मारी। कोई विवाद था, पुराना विवाद था, क्या था? नहीं, रात मैया मतलब हमारी लड़के को मारो छोटे लीला, और सवेरे रामबरन ने मारो गली में खींच के। और जब मतलब हमने कहे तो मेरे लला के गोली भीतर घुस के मारी रामबरन और छोटे लीला ने। आप थाने गई थी कल? नहीं गई तो नहीं जान दो मो, नहीं निखरन दो, रास्ता घेरे रहे सब, रास्ता घेरे रहे हमें नहीं निखरन दो। आदमी लड़का बिटिया हमारी सब बाज गए डर के मारे बैरार, रिश्तेदार इन चले गए टाइम बचाए के। तो गोली कहाँ पे मारी थी? गोली आंगन से फेंदो जो बरामदा मारी। घर के अंदर मारी गोली? घर के अंदर मारी, आंगन से खेदो लला को, और लला बरामदा लो बच पाए बरामदा में गोली मार दी। लड़का क्या करता था आपका? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी करता? कब आया था घर पे? लला आए थे पढ़ी वे के ले आए तो एक डेढ़ महीना हो गो। क्षेत्र में एक हत्या का मामला, क्या मामला है? ये थाना जानगंज क्षेत्र में एक जैसी गांव है, उसमें एक हत्या की सूचना मिली थी। उसमें मैं और SHO जानगंज दोनों पहुँचे तो वहाँ एक मोनू नाम का लड़का श्याम बरन का, जिसकी उम्र 17 साल है, उसको सीने में गोली लगी। वो हमने देखा तो मौके पर डेड था। अभी उसकी जांच करी जा रही तो उसमें क्या घटना है, जैसे ही कोई तहरीर आएगी तो उसमें विवेचना की जाएगी तो खुला सके जाएगा। उसमें प्रेम प्रसंग का मामला कुछ निकल के आ रहा है, सुनने में आ रहा है। इनका रात में, इसी रात में कोई झगड़ा हुआ था आपस में सगे भाइयों का और भतीजों का, तो उसकी जांच की जा रही, जो प्रकाश में आएगा आप लोगों को बताया जाएगा। उसमें पैसे का भी लेन देन का मामला है, उसके संबंध में जांच की जाएगी। वैसे हमको इसके बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं थी, लड़की के बारे में तो मालूम हुआ है, उसके बारे में भी जैसा ही जांच में जो सामने आएगा बताया जाएगा।